आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कायनात से पहले क्या था। ये वो सवाल है जिसके बारे में कभी न कभी आपने जरूर सोचा होगा। आज से कुछ दिन पहले एक स्टडी हुई जिसमें साइंसदानों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हमारी कायनात से पहले क्या था। इस स्टडी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया कि आखिर हमारी कायनात में क्या था। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी भी साइंसदान को इस बात का आइडिया नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, क्या बिग बैंग से पहले भी कोई कायनात मौजूद थी या नहीं। आज हम हमारी कायनात के बारे में जितनी भी बातें जानते हैं वो एक सिंगुलैरिटी नाम के पॉइंट पर आकर रुक गई हैं। इस पॉइंट पर सदियों से साइंसदानों के दरमियान बहस जारी है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर बिग बैंग के कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद क्या हुआ था। लेकिन एक साइंसदान रोजर पेनारोस का कहना है कि हमारी कायनात कई बार बनी और कई बार तबाह हुई। ये बनती है और फिर तबाह हो जाती है और तबाह होने के बाद फिर बन जाती है। रोजर के इस कंसेप्ट को कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी का दुनिया के ज्यादातर लोग मानते हैं और इस थ्योरी को बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर हम टाइम में पीछे 13.8 अरब साल पहले उस वक्त में जाएं जब बिग बैंग हुआ था, तो मुमकिन है कि हम ये जान सकें कि उस वक्त असल में क्या हुआ था। उस वक्त में हमें ऐसे साइन मिले हैं जो हमें कायनात के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन साइन को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिसे CMB कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो लाइट है जिसे हम कायनात बनने के शुरू से देख सकते हैं। आज से 375 मिलियन साल पहले कायनात का टेम्परेचर इतना कम हो चुका था कि यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बहुत ज्यादा एटम्स बनाना शुरू हो गए थे, और उसी वक्त लाइट ने कायनात में फैलना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों से हमारा CMB को देखने का नजरिया बहुत हद तक बेहतर हो चुका है। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2003 और 2013 में CMB की इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क है। यानी इस वक्त हमारी CMB के बारे में समझ इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि हम बिग बैंग के शुरू में जो हुआ था उसको जान सकते हैं। पेनरोज के मुताबिक इन CMB में आपको इस बात के साइन मिल सकते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था या बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। इसको इस बात का भी यकीन है कि इस लाइट में हम उस कायनात को भी देख सकते हैं जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। हाल ही में एक स्टडी रिलीज की गई, उसमें ये कहा गया कि हम CMB में उस कायनात के साइन को देख सकते हैं जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। साइंसदान का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था जो वक्त के साथ गायब हो गया। यानी हमारी कायनात से पहले भी एक कायनात मौजूद थी जिसके खत्म होने के बाद वो ब्लैक होल बनी और फिर वो ब्लैक होल खत्म हो गया। इसके अलावा साइंसदानों ने कॉस्मोलॉजिकल माइक्रोवेव बैकग्राउंड में और भी कई चीजों को ऑब्जर्व किया। जब CMB के पुराने डेटा को नए डेटा से मिलाया गया तो उनको डेटा में मुख्तलिफ रिंग्स मिले। उनका कहना था कि ये रिंग्स उस चीज के सबूत हैं जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। इनमें से कुछ रिंग्स तो इस बात को साबित करते हैं कि कायनात से पहले भी कुछ मौजूद था, लेकिन कुछ रिंग्स ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनका कहना है कि इन रिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज को जानने की जरूरत है जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। उसके बगैर इन रिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनका मजीद ये भी कहना है कि वो जो भी चीज थी उसका असर हमारी कायनात पर भी है। साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया है कि हमारी कायनात से पहले जो कायनात थी जिस वक्त वो खत्म हो रही थी, तो उसके लास्ट पर बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स बच गए जिनसे बहुत ज्यादा हॉकिंग रेडिएशंस निकलना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि उन ब्लैक होल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उनसे निकलने वाली रेडिएशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिनका असर बाद में बनने वाली हमारी कायनात पर भी हुआ। जो रिंग्स अब CMB में मिले हैं ये उन्हीं ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस का असर है। साइंसदानों ने इस डिस्कवरी के बाद अंदाजा लगाया है कि मुमकिन है कि जब हमारी कायनात खत्म हो तो उसके आखिर में भी सिर्फ ब्लैक होल्स ही रह जाएं, और आखिर में ये भी खत्म हो जाएं कि और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। CMB में मिलने वाले रिंग्स के बारे में पेनरोज का कहना है कि जब पिछली कायनात खत्म हुई थी तो उसमें जो ब्लैक होल्स आखिर में रह गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए थे।
लेकिन उनके कुछ थोड़े बहुत साइन बाकी रह गए थे जो अब हमें CMB में मिले हैं। ये ऐसी बात है जिसको इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती, लेकिन साइंसदानों ने इस बात को थ्योरी से साबित किया है। पेनरोस ने भी अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं, लेकिन उसकी थ्योरीज में कुछ मसला है। उसकी थ्योरीज के मुताबिक जितनी भी कायनातें बनेंगी वो सब ऐसे ही खत्म होंगी। उसका कहना है कि जो भी कायनात बनती है वो वापस उसी छोटे से पॉइंट पर जाकर खत्म होती है यहाँ से वो बनी थी, और उसके बाद फिर से एक नई कायनात बन जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसकी थ्योरी में एक मसला है, वो ये है कि कुछ साल पहले एक और थ्योरी बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कायनात वापस उसी छोटे से पॉइंट पे नहीं जाती यहाँ से वो शुरू हुई थी, बल्कि वो फैल कर बिखर जाती है या टूट जाती है। इस प्रोसेस को पिकरिप का नाम दिया गया। ये भी कहा गया कि हमारी कायनात पिछली बनने वाली कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है कि इस कायनात में जो भी कुछ हो रहा है वो पहले वाली कायनात में ना हुआ हो। इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है या कौन गलत है। इस वक्त किसी के पास भी अपनी अपनी थ्योरीज को साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। हमारी कायनात कैसे बनी थी, कब बनी थी, बिग बैंग की क्या हकीकत है, ऐसा कुछ कभी हुआ भी था या नहीं, हमारी कायनात से पहले भी कोई कायनात थी या नहीं, हमें से ना कोई जानता है और ना जान सकता है। इस बात का इलम सिर्फ अल्लाह के पास है। साइंसदानों ने अपनी बात को साबित करने के लिए इंफॉर्मेशन पेंसिपर्निया के नाम से भी एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक पहली कायनात और अब वाली कायनात के दरमियान अगर कम्युनिकेशन की जाए तो बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हो सकता है कि उस कायनात में कोई बहुत ही एडवांस लाइफ मौजूद हो जिसने हमारी कायनात में कोई इन्फॉर्मेशन भेजी हो, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अभी तक इसी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मौजूद हो, और वो इन्फॉर्मेशन कायनात में मौजूद बहुत से सियारों में भी पहुँची हो। ये एक ऐसा आइडिया है जिसका अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। हम जैसे जैसे CMB को एक्सप्लोर कर रहे हैं हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से राज ऐसे हैं जिनका ना तो किसी के पास कोई जवाब है और ना ही कोई हल मौजूद है। साइंसदान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वह हमें इससे मिलने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। अब तक के लिए उनको बस इतना कुछ ही मिला है। इस वक्त हमारे पास जेम्स स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है जो तरीका सबसे एडवांस टेलीस्कोप मौजूद है। इसने भी कायनात के बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है और इसके जरिए भी साइंसदान इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या वाकई हमारी कायनात किसी बिग बैंग से शुरू हुई थी? क्या इस कायनात से पहले भी कोई कायनात मौजूद थी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे लाजमी शेयर करें, और अगर आप स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।